फिर ये चले गए वहां पे रहना शुरू हो गए। अब उस हदीस की तरफ वापस आ जाए जो फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने अकेले ही मरेगा, तो अबू ज़र गिफारी उस हाकिम की रवायत में आता है अबू ज़र गिफारी की मौत का वक्त करीब आ गया, सिर्फ बीवी है पास। बीवी ने रोना शुरू कर दिया कि हजरत आप फौत हो गए, आपको कफन कौन देगा, आपको गुसल कौन देगा, आपको दफनाएगा कौन, मैं औरत जात क्या कर सकती हूं। हजरत अबू ज़र ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने सुना था कि तू अकेला मरेगा, फिर मुसलमानों का एक काफिला वहां से गुजरेगा जो तुझे कफन दे के दफनाएगा और जनाजा भी पड़ेगा। तूने फिक्र नहीं करनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को चौराहे पे रख देना गुजरगाह पे, जो यानी मदीना की तरफ रास्ता आता था गांव एरिया से गुजर के, अल्लाह मेरा बंदोबस्त कर देगा। वही हुआ कि उनके मरने के बाद मुसलमानों का एक काफिला दूर से आ रहा था, तो उसी मुस्तदिल हाकिम की हदीस में आता है कि सर काफिला भी सुने फिर कौन है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। अबू ज़र गिफारी भी ज़ोहद के इमाम, इब्ने मसूद भी ज़ोहद के इमाम, अबू दरदा भी ज़ोहद के इमाम। इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां पे रुके, उनको तो नहीं पता था ये कौन है, तो उन्होंने कहा बीबी क्या हुआ, उनका मेरा खामन मर गया है, उनका ये कौन है, तो उन्होंने कहा अबू ज़र गिफारी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की चीख निकल गई, चीख मारी उन्होंने, उनका वाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अबू ज़र अकेला आ रहा है तबूक के मौका पे, दुनिया से भी अकेला जाएगा और क़यामत के दिन भी अकेला उठाया जाएगा, यानी अब उसी सरजमीन से ही उसने उठना है ना, हर बंदे ने अपनी कब्र से उठना है, यानी वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं। एक ये जो मजार मजार की रट लगाए फिरते हैं, मैं इनसे पूछता हूं तुम्हारे बाबों की क्या औकात है, अबू ज़र गिफारी का मजार दिखाओ कितना, जो इस रुए अर्ज पे नीली छतरी के नीचे सच्चा तरीन इंसान जिसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसका कोई मजार नहीं है। गरीबुल मतनी में मरा है, उसकी कब्र भी ऐसी जगह है जहां मुसलमानों के पास कब्रें भी कोई नहीं है, एक रेगिस्तान में अकेली कब्र है, उस कब्र का भी किसी को नहीं पता, उस पर कोई मजार भी नहीं है, और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा, यानी क़यामत तक वहां पर कोई कब्रस्तान भी नहीं बनेगा। ज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम की यह भी खबर है, तो क्या वो नाकाम हो गया अगर मजारात ही दलील है कामयाबी की। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला ने उनको गुसल दिया, कफन दिया और दफना दिया। ये पूरी डिटेल्स आपको अल मुस्तदरक हाकिम में मिल जाएंगे।